उपस्थित बहनों और परिवार, मैं आशीर्वाद देने के लिए नहीं आया, आपके साथ खंडे को खत्म मिलाकर और आखिरी दम तक लड़ते रहूंगा, ये आप सोच रहे हैं। सामने खड़ा हो और मुझे उम्मीद है कि भारत के युवा जो चुनौती आए उसका सामना बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चुनौती अब बहुत गंभीर मामूली नहीं है, इतिहास में इतनी गंभीर चुनौतियां शायद ही आती है, लेकिन उसका सामना करना यह हमारा फर्ज है और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग ये फर्ज निभाएंगे, सामना करेंगे। किससे सामना है, कौन लोग है? सबसे पहली महत्व की चीज ये है, ये झूठे लोग, झूठ बोलने वाले लोग। मसलन वो संविधान के ऊपर हाथ रखकर उन्होंने सत्ता हाथ में ले ली, लेकिन इस संविधान पे उनका विश्वास नहीं है। और इसका एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि आरएसएस के कई मुख है, कई मुखों से वो बोलते हैं। उनके दो सबसे बड़े मुख है, विश्व हिंदू परिषद और दूसरा भाजपा। रावण को 10 मुंह थे लेकिन इनको 40 है। सबसे बड़ा विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के कॉन्फ्रेंस अधिवेशन चंडीगढ़ में भरा। उस समय उनके नेता थे आचार्य वामदेव, वहां उनका भाषण हो गया। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि भारत में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, विपन्नता है, विषमता है, उसका एक ही कारण है, वो कारण डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया हुआ संविधान। इतना ही कहकर वो रुके नहीं, उससे उसके आगे जाकर उन्होंने कहा ये संविधान बदलना होगा। इसके भी आगे जाकर कहा कि इस संविधान के जगह मनुस्मृति पे आधारित हमें सब अधिवेशन संविधान बनाना होगा। इतने झूठे लोग, एक मुंह से संविधान की शपथ लेते हैं और असल में उनके दिल में संविधान के लिए तनिक भी विश्वास नहीं। संविधान समाजवाद का नारा देता है, वो संविधान समाजवाद को अपना शत्रु मानते हैं। संविधान धर्म निरपेक्षता पे विश्वास रखता है, इनका तनिक भी विश्वास धर्म निरपेक्षता पे नहीं है।
असल में जब से उनकी स्थापना हो गई 1925 में, तब से उनका नारा हिंदू राष्ट्र का है। उस इस माने में वो मोहम्मद अली जीना के अनुयायी है। इस माने में वो पाकिस्तान के अनुयायी, और यहाँ हिंदुओं का राष्ट्र वो बनाना चाहते। उनके मन में मानवाधिकार पे विश्वास नहीं है, समता पे विश्वास नहीं है। वो यहाँ के जो अक्लियत वाले लोग हैं उनको ठीक तरीके से नहीं देख सकते। उनका कहना है क्रिश्चियन और मुसलमान ये शत्रु है, शत्रु को खत्म करना चाहिए, ये उनका विश्वास है। बहुत पुरानी बात है, 1955 की जब उनकी स्थापना हो गई उस समय की, उस समय उनके संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार मौजूद थे, उनको एक आदमी मिल नहीं गया और उनको लगा कि हेडगेवार को खुश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस देश के मुसलमान देशद्रोही है। तो डॉक्टर हेडगेवार ने क्या कहा, आप गलत बोल रहे, मुसलमानों को देशद्रोही मत कहिए, क्योंकि देशद्रोही उस देश का होता है, मुसलमान इस देश के नहीं है। तो उनको देशद्रोही मत कहो, उनको शत्रु कहो। ये यहाँ के मुसलमान, क्रिश्चियन और सभी समाजवादियों को शत्रु मानते हैं। शायद आपने गुरु गोलवलकर का किताब पढ़ा होगा, किताब का नाम है बंच ऑफ थॉट्स। उसका एक प्रकरण है तीन शत्रु, और उसमें जल रहा है मुसलमान, क्रिश्चियन और समाजवादी, इनको वो शत्रु मानते हैं। तो शत्रु को निर्धारण करना वो उनका कर्तव्य हो जाता है, और वो हमेशा इस तरह से सोचते हैं। गुजरात में जो मोदी ने हत्याकांड करवाया, 2000 मुसलमानों का कत्ल किया, वो इसी दृष्टि से किया। इतना ही नहीं, वाजपेयी ने कहा जब मैं मोदी को कहूंगा राजधर्म का पालन करो, यदि जो राजा होता है उनके लिए सभी मजहब के लोग उनके बच्चे होते, राजधर्म का पालन करो। मोदी ने क्या किया, राजधर्म का पालन कैसे किया वो आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। 2000 मुसलमान उनका कत्ल किया, और उसके बाद भाजपा की एक मीटिंग नेशनल एग्जीक्यूटिव की पंजी में हो गई। पंजी में जब मोदी गए तो सभी ने उनका भरदस्त स्वागत किया, क्योंकि उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई। 2000 मुसलमान आर्य सच का एक एक आदमी एक ख्वाहिश मन में रखता है कि मेरे जिंदगी में कम से एक मुसलमान मैं मारूंगा। इस तरह से बहुत विषाक्त विचार रखने वाले ये लोग, इनसे हमें सामना करना।
इनका भरोसा समता पे तनिक भी नहीं है। वो तो समता चाहते नहीं है। पूंजीवाद पे भरोसा रखने वाले लोग हैं और पूंजीवाद से हमारे पूरे संसार में क्या तबाही मच गई है उसका विचार हमें करना चाहिए। हाल ही में अखबार में बात आई है, ऑक्सफैम संस्था है, उनका एक सर्वे उन्होंने किया है, भारत के लिए भी किया है, पूरे संसार के लिए भी किया। भारत में जो उन्होंने सर्वे किया उसके बारे में जिक्र अखबार में आ गया है, पब्लिश हो गया है। उन्होंने कहा भारत में जो अमीर लोग हैं उनमें जो 1% है, समझो 300 लोग है तो 1% तो 3 हो गए, तो तीनों के पास 1% लोगों के पास देश की संपत्ति 58% है। 3 लोगों के पास, अंबानी, सिंघानी और हिंदुजा, इनके पास इतनी बड़ी विषमता। लेकिन विषमता के बारे में उनको कोई दरकार नहीं, उसके लिए उनको चुपता नहीं है, वो विषमता खत्म करने की इच्छा वो रखते नहीं है। जो चीज भारत में वही पूरे संसार है। संसार में केवल 8 लोग हैं जिनके पास संसार के 700 करोड़ लोगों की जो आमदनी है उनमें से आधी आमदनी केवल 8 लोगों के हाथ में। समाजवाद को एक मंजूर नहीं है। हम समता के पुजारी, ये सही है कि पूरे संसार का समान रूप से बंटवारा नहीं होता, लेकिन ये भी सही है कि कम से कम हरेक को अनाज, कपड़ा, मकान, बच्चे की शिक्षा और मरीज के लिए स्वास्थ्य, ये मिलना ही चाहिए। कम से कम, ज्यादा होगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन कम से कम ये करने की कोशिश जवानों को करनी चाहिए। ये समाजवाद की लड़ाई, पूरे संसार विषमता से ग्रस्त हो गया, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं पुर्तगाल तो स्पेन में गया था एक साल पहले, बेरोजगार कितनी थी आप कल्पना कर सकते हैं? वहां बेरोजगारों की संख्या 46%, बेरोजगारी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? वैश्वीकरण की वजह से बढ़ रही। वैश्वीकरण क्या? वो आर्थिक बाजार पर सब समाज निर्भर रहना चाहिए, ये उनकी ख्वाहिश है। और इतना ही नहीं, अर्थव्यवस्था बाजारों नहीं, शिक्षा भी बाजारों, स्वास्थ्य भी बाजार को होना चाहिए, ये कोशिश चल रही है। और इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कामगार कानून खत्म कर दिए। पहले कानून में ब्रिटिशों के जमाने से कामगारों को, मजदूरों को जो संरक्षण था
और ब्रिटिश जाने के बाद अच्छे कानून बन गए थे, मजदूरों का संरक्षण था, अभी मजदूरों को संरक्षण नहीं है, संरक्षण पूंजीवादियों को है। उनके लिए ज्यादा से ज्यादा कंसेशन सहूलत दी जाती है। किसान हमारे देश में 60% सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला धंधा कोई हो वो किसानी है, वो खेती है। लेकिन खेती की स्थिति क्या है? किसान के हाथ से भूमि अधिग्रहित की जाती है, उनको पूछता नहीं, वैसे ही की जाती है, क्योंकि वैश्वीकरण मानता है कि खेती से समाज आगे बढ़ता नहीं, खेती से संपत्ति बढ़ती नहीं है, इसलिए औद्योगिकरण होना चाहिए। औद्योगिकरण पे निर्भर इंडस्ट्री इज द एंजन ऑफ ग्रोथ, ये उनका नारा है। किसानी नहीं इंडस्ट्री, किसान बढ़ते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जाता है और कितना पैसा देता है, मनमोहन सिंह ने 65,000 करोड़ दिया और ऐसा दिखाया कि कितना बड़ा काम हमने किया, मोदी ने तो वो भी नहीं किया। और जो उद्योगपति होते सालाना 6,00,000 करोड़ रुपया दिया गया कंसेशन, तो उद्योगपति के तरफ वो ध्यान देते, किसान मर जाए परवाह नहीं। क्या कल्पना कर सकते, पिछले 25 साल में सालाना 17,000 किसानों ने खुदकुशी, 3,25,000 से ज्यादा किसानों ने खेती की। हमारा देश ऐसा है कि 3,25,000 किसान खुदकुशी करते हैं फिर भी किसी की हिलता नहीं, किसी को गुस्सा आता नहीं, जो मरने वाले उनको भी गुस्सा नहीं, और मरने वाले उनके जो भाई बहन सत्ता पे है वो उसका विचार भी नहीं करते। ये समाजवाद का तरीका है, ये पूंजीवाद का तरीका है। पूंजीवाद केवल नफा देखता है, आदमी देखता नहीं। इसलिए नॉम चॉम्स्की ने एक किताब लिखी है, उस किताब का शीर्षक ही प्रॉफिट ओवर पीपल, प्रॉफिट मान नफा मान को क्या, आदमी नहीं मनुष्य नहीं। और इसलिए जो कुछ करना है वो किया जाता है, कामगार के हित के कानून खत्म किए जाते हैं, किसानों की अनदेखी की जाती है। अभी कॉरिडोर होने वाले, लाखों हेक्टेयर जमीन किसानों से हड़पने वाले, ये हमें देखिए, ये गलत है, सरासर अन्याय है। और ये सरकार इसके पीछे ये करना चाहते है वो पूंजीवाद के समर्थक है। ये पूंजीवाद जो 1% वाले लोग 78% वेल्थ भारत की अपने मुट्ठी में रखते हैं, उनके हित में काम करने वाला ये सरकार है, ये मोदी है, ये आरएसएस वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं है, लड़ने की। और मैं चाहता हूं कि जवान लोग क्या चुनौतियां, क्या सामना करना है, किससे सामना करना है, ये देखना चाहिए। कोई लोग कहेंगे यहां हिंदू मेजोरिटी में,
तो हिंदू राष्ट्र होने में क्या दिक्कत है? दिक्कत नहीं, हो सकता है, होने में क्या दिक्कत है? लेकिन अभी इराक और सीरिया में क्या हो रहा है? खिलाफत बन गई है, बगदादी प्रमुख बन गया है, और वो खिलाफत बनने के बाद सबसे पहले किसकी कत्ल करता है, किसको मार रहा है? वो मार रहा है शिया बच्चों को। वो कहते हैं सुन्नी ही असली मुसलमान है, जो शिया है नहीं, अहमदिया नहीं, पूरे कुर्दिश नहीं, ये मुसलमान हम नहीं मानते। तो वो मारे, वो माइग्रेंट बन जाते हैं, उनको स्थानांतरण करना पड़ता है, वो यूरोप भाग रहे हैं, रास्ते में मर रहे हैं, करोड़ एक करोड़ लोग लगभग ये जा रहे हैं, और उसमें से लाखों लोग समंदर में मर रहे, डूब रहे। यही जब यहां हिंदू राष्ट्र होगा, शंकराचार्य कहेंगे यहाँ के बौद्ध हिंदू नहीं है, यहाँ के जैन हिंदू नहीं है, यहाँ के लिंगायत हिंदू नहीं है, यहाँ के सिख हिंदू नहीं है, मार दो। जो वहां हो गया वही होगा। पाकिस्तान में अहमद आपकी कत्ल हो गई थी तो ही होगा। तो धर्म पे आधारित राष्ट्र बनना यानी राष्ट्र का सत्यानाश होगा। इसके खिलाफ में हमें जंग छेड़नी पड़ेगी। केवल चुपचाप रहने से और कुछ लेख लिखने से काम नहीं होगा, गांव गांव जाना होगा, हर छात्र को मिलना होगा, हर जवान को मिलना होगा। और क्या लड़ाई है, ये देश डूबे या विकसित हो जाए इसकी शिक्षा की बात ले लो। ये गवर्नमेंट स्मिता ईरानी ने कहा कि स्कूल के बाहर जो शिक्षा नहीं पा सकते बहुत कम लड़के, 61 लाख लड़के। अब क्या आ गया था, सेंसस का स्टडी आ गया, और उन्होंने कहा जो स्कूल का मुंह नहीं देख सकते ऐसे बच्चे इस देश में 4,30,00,000 है, 4,30,00,000। मनमोहन की सरकार हो या मोदी को झुटाई बता, असली आंकड़े वाले नहीं देते, शिक्षा नहीं मिले, जो शिक्षा है पैसे की बगैर नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना। बेरोजगारी बढ़ रही है, नौकरी नहीं मिलती, कई जगह मैंने देखा ये भी हो गया है, और सिपाही का की नौकरी कर क्यों ऐसा हो? वो इसके लिए अभी लड़ाई लड़ना ये जरूरी बन गया। ये लड़ाई शस्त्र की नहीं होनी चाहिए, जो शस्त्र की लड़ाई ये माइनॉरिटी लड़ाई, माइनॉरिटी रेवोल्यूशन जो चाहते हैं वही शस्त्रों को लेकर के अभी मेजॉरिटी रेवोल्यूशन करना है, और एक आदमी को तैयार करना है, गांव गांव में जाकर, हर कॉलेज में जाकर, हर शिक्षा संस्था में जाकर जवानों को मिलना हो, उनके मन तैयार करना हो। और जो पूरे देश पे गुजरी है, जो संकट आ गया उसका निवारण करना है, वो निवारण जवान ही कर सकते हैं। हमारे जैसे बूढ़े आपको साथ देंगे, लेकिन आगे रहने का काम आपको ही करना होगा।
आप करेंगे इस विश्वास के साथ आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। मेरा भाषण खत्म करता हूँ। जय हिंद।